वालेकुम मशरिक न्यूज के साथ मैं हूँ जुलेखा नासिर। सबसे पहले मशरिक हेडलाइंस। अवरान से गिरफ्तार खवातीन को सेंट्रल जेल खुजदार से रिहा कर दिया गया। लूटी हुई रकम पाकिस्तान वापस लाई जाए तो मुल्क को कर्जों की जरूरत नहीं पड़ेगी, अमानुल्ला यासीन जई। हुकूमत का रवैया इत्तेहादियों के साथ ठीक नहीं, मुतालिबात ना माने गए तो अलग हो जाएंगे, सरदार अख्तर मेंगल। तलोर के गैर कानूनी शिकार के लिए आने वाले शाही खानदान के अफराद समेत 7 कतरी गिरफ्तार। वजीर आला जाम कमाल की कयादत में बलोचिस्तान तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है चीफ सेक्रेटरी। पश्तूनों को मजहबों कौम के नाम पर तकसीम करने वालों ने इनके वसाइल पर भी कब्जा कर लिया है, असगर अचकज़ई। बलोचिस्तान में अमन अमान बहाल रखने के लिए हुकूमत हर मुमकिन वसाइल बरूएकार ला रही है, ज़ियालंग। जमीयत हुक्मरानों से इस्तीफा लेकर रहेगी, 2020 इंतखाबात का साल है, मौलाना हैदरी। जमहूरी अमल की राह में रुकावटें पैदा होने से मुल्की और कौमी मसाइल में इजाफा हुआ, जमीयत नजरियाती। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। बलोचिस्तान के जिला अवरान से असलहा और बारूदी मवाद बरामदगी के जुर्म में गिरफ्तार की गई खवातीन को सेंट्रल जेल खुजदार से रिहा कर दिया गया। खवातीन को असलहा और गोला बारूद बरामदगी के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया था, जिसके खिलाफ सरदार अख्तर मेंगल ने स्पीकर के जायज के सामने एहतजाजी धरना भी दिया था। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम खान सूरी ने खवातीन को रिहा करने से मुतालिक रोलिंग दी थी, रिहाई की तस्दीक सरदार अख्तर मेंगल ने ट्वीट के जरिए की। गवर्नर बलोचिस्तान जस्टिस रिटायर्ड अमानुल्लाह यासीन जई ने कहा कि बदउनवानी और करप्शन की रोकथाम के लिए नैब ऑर्डिनेंस ने फाल किरदार अदा किया है और मुल्क भर में बिला इम्तियाज नैब छोटे बड़े अफराद का यकसा एहतसाब कर रहा है। इंसदाद बदउनवानी के आलमी दिन के मौका पर मुनाकिद एक तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि बलोचिस्तान में सरकारी इदारों की इस्लाहात लाजिम है। क्वेटा के मरकजी सिविल अस्पताल के स्टोर अद्वियात से भरे हैं, लेकिन डॉक्टर्स मरीजों को नहीं देते। वतन अजीज को करप्शन से पाक करना हुकूमत का अज़्म है। बलोचिस्तान के अवाम की हालत की बुनियादी वजह इदारों और सिस्टम का कमजोर होना है। बलोचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबरा सरदार अख्तर मेंगल ने कहा कि आर्मी एक्ट में तरमीम के वक्त मालूम नहीं हुकूमत में होंगे या नहीं, मुतालबात ना माने गए तो हुकूमत से अलग हो जाएंगे। लापता अफराद में दीगर मामला पर हुकूमत ने 5% भी काम नहीं किया। PSDP में रकम मुख्तस की गई मगर सुस्त रवि का मुजाहरा किया जा रहा है। बलोचिस्तान हुकूमत के मामले पर BNP और जमीयत उलमा इस्लाम की वो पोजीशन नहीं है, मगर घर के चराग को हमेशा घर से ही आग लगी होती है। बलोचिस्तान के जिला नोशकी से तलोर के गैर कानूनी शिकार के लिए आने वाले 7 कतरी बाशिंदों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार होने वालों में कतर के शाही खानदान के अरकान भी शामिल है। कतरी बाशिंदों को सड़क के रास्ते क्वेटा से आते हुए नोशकी से 30 किलोमीटर दूर कलमगोर चेक पोस्ट पर गिरफ्तार करके सर्कच हाउस नोशकी मुंतकिल कर दिया गया। इस वक्त $1,00,000 फीस जमा करवाने के बाद गैर मुल्की शिकारियों को 100 तलोर शिकार करने की इजाजत दी जा रही है। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान कैप्टन रिटायर्ड फजील असर ने कहा है कि वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल खान की कयादत में सूबा तेजी से तरक्की की तरफ गामजन है। बलोचिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है, यहाँ तवील साहिली पट्टी मौजूद है, दिलकश तफरीही मुकामात जिसमें ज़ियारत अस्तूला आइलैंड और कंट मिलेर शामिल हैं। तालीम सेहत समेत दीगर शोबों की बेहतरी के साथ साथ नौजवानों की सलाहियतों में मजीद निखार पैदा करने के लिए मौसर इकदामात को यकीनी बनाया जा रहा है। बैनुल अक्वामी यूथ समिट से खिताब करते हुए कैप्टन रिटायर्ड फजील असगर का कहना था कि सूबाई हुकूमत जामिया हिकमत अमली के तहत अमन अमान की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी ला रही है। बलोचिस्तान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अब्दुल्ला बलोच पर मुश्तमिल बेंच ने पाकिस्तान मेडिकल कमीशन ऑर्डिनेंस 2019 के 39 पर अमल दरामद रोकते हुए
हुए हुक्म इम्तना जारी किया है और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC के हुकाम को हदायत की है कि वो मुलाजमीन की बंद तनख्वाहों की फौरी तौर पर इजरा करें। बताया जाए कि मुलाजमीन की तनख्वाहें किस कानून के तहत बंद की, अदालत ने अटॉर्नी जनरल को एक मरतबा फिर नोटिस जारी करके अगली समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। मुलाजमीन के वकील ने मौकफ अपनाया है कि 20 से 25 साल सर्विस के बाद PMC ऑर्डिनेंस के तहत मुलाजमीन को फारिग किया जा रहा है। यही नहीं, मस्कूरा मुलाजमीन की तनख्वाहें भी 3 माह से बंद हैं। ANP के सूबाई सदर और बलूचिस्तान असम्बली में पार्लिमानी लीडर सरदार असगर खान अचकजई ने लोरा लाइन में बिस्मिल्ला जान लूनी के चेहलम के मौके पर कारकुनों से खिताब और मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अरबों रुपये CPAC के हवाले से पंजाब में खर्च किए गए। बलूचिस्तान और पश्तूनों के तरफ 200 तलबा CPAC प्रोजेक्ट के तहत चाइना भेजे गए। हम अपने कुदरती वसाइल से भी इस्तफादा नहीं कर सकते। इस मुल्क में तीसरे दर्जे के शहरी की हैसियत से जिंदगी बसर करने पर मजबूर है। मुल्क में बराबरी जैसे असूल से यकसर महरूम है। CPAC मगरबी रूट को तामीर करने की बजाय मशरकी रूट को तरजीह बलूचिस्तान से बड़ी ज्यादती है। सूबाई वजीर दाखिला मीर जिया लांगू ने कहा कि जिला कल्लात के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। सूबे के लोगों को दरपेश मसाइल हल करना और इनकी जानों और माल का तहफ्फुज़ और सलामती को यकीनी बनाना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कल्लात के अवाम को जायज हकूक दिलाने के लिए कोशा है। हल्के के अवाम की ख्वाहिश के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में MP फंड से तरक्याती काम जारी है। सूबाई हुकूमत अवाम से किए गए वादों को पूरा कर रही है। नौजवानों को रोजगार के मौके के साथ साथ अवाम को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात दस्तयाब की जा रही हैं। गैर हाजिर डॉक्टर्स, उस्तादों और दीगर महकमों में जो लोग गैर हाजिर हैं उनको बरतरफ कर रहे हैं ताकि मेरिट को बरकरार रखा जा सके। जमीयत उलमा इस्लाम के मरकजी जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने कहा है कि मुल्क बहरानों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जितना जल्दी हो सके मौजूदा हुकूमत का खात्मा करना होगा। बलूचिस्तान में पेट्रोलियम से वाबस्ता लाखों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं। सिलेक्टेड हुकूमत का जाना ठहर गया। पूरा मुल्क जमीयत उलमा इस्लाम के बयानिए पर मुत्तफिक नजर आता है। पूरे मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई से लोग परेशान हैं, मगर सिलेक्टेड वजीर आजम और वजरा एक दूसरे से बेखबर आंत बांत की बोलियां बोल रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम नजरियाती तहसील चमन के सीनियर अराकीन के इजलास से मरकजी कन्वीनियर मौलाना अब्दुल कादिर लूनियो दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में हमेशा जमहूरी अमल की राह में रुकावटें पैदा होने से मुल्की और कौमी मसाइल में इजाफा और मुल्क बहरानों की कैफियत से दुचार है। आलमी ताकतें पाकिस्तान को दाखली मसाइल में उलझा कर तरक्की और मईशत के इस्तेहकाम से महरूम करना चाहती हैं। CPAC मंसूबे को नाकाम बनाने की साजिश हो रही है। मुल्की और कौमी मसाइल में इजाफा और मुल्क बहरानों की कैफियत से दोचार है। एस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत से इदारों का वकार मजरूह हुआ है। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट mashriqhd.tv और देखते रहिए मशरिक न्यूज़।